अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है तारीख पाकिस्तान। तदरीसी मकासद में हमारा जो पॉइंट है वो है 7। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत पर बहस कर सकेंगे हम। बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत हमने लास्ट लेक्चर में किया है और बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत हम आज के लेक्चर में करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत जो है वो स्टार्ट होता है 1993 में। बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा अक्टूबर 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। नंबर जो 1 पॉइंट है वो है तरक्याती मंसूबे। बेनज़ीर भुट्टो ने दूसरे दौरे हुकूमत में जो मंसूबे शुरू किए वो हैं कराची फ्लाई ओवर ब्रिज और लाहौर बाईपास। नंबर 2, किसानों और ख़वातीन के लिए मंसूबे। बेनज़ीर भुट्टो ने किसानों को कर्ज़ देने के लिए किसान बैंक कायम किए और अवामी ट्रैक्टर स्कीम शुरू की थी। और ख़वातीन के लिए जो काम किए उनमें समाजी और सेहत की पॉलिसियाँ बनाई थी। ख़वातीन पुलिस स्टेशन और अदालतें भी कायम की गई थी जिससे ख़वातीन की हौसला अफजाई हुई। नंबर 3 पॉइंट है 8वां 5 साल मनसूबा। बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत ने 1993 में 8वां 5 साल मनसूबा शुरू किया जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। नंबर 4 पॉइंट है बैरूनी दौरे और मसला कश्मीर। बेनज़ीर भुट्टो ने ईरान और तुर्की के कामयाब दौरे किए, मसला कश्मीर पर उन ममालिक की हमायत हासिल की, मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के कई मंसूबे भी स्टार्ट किए। नंबर जो 5 पॉइंट है वो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। 1994 में खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के वजीर आला पीर साबिर शाह की हुकूमत थी, उसको गिरा कर पीपल पार्टी ने आफताब अहमद शेर पाओ की हुकूमत कायम की। बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की बर्खास्तगी, सदर फारूक अहमद लगारी जो उस टाइम सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मुख्तलिफ अमूरे इख्तलाफ पैदा हुए जिनकी बिना पर सदर ने आइन की दफ़ा 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए उन पर बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाकर उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। इस बार बेनज़ीर भुट्टो को करीबन 3 साल काम करने का मौका मिला। बेनज़ीर भुट्टो की दोनों दफ़ा जो हुकूमत की बर्खास्तगी है वो सेम इसी तरह हुई है। उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि सदर जो थे उन्होंने उन पर दफ़ा 58(2)(b) का इस्तेमाल किया था और उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया था। सेम इसमें भी ऐसे ही हुआ है कि उन पर दफ़ा 58(2)(b) लगाई गई, उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया गया। एक दफ़ा दोबारा इनको देख लें हम। इनका दूसरा दौर हुकूमत है वो शुरू होता है 1993 में और ख़त्म होता है 1996 में। 3 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की है। तरक्याती मंसूबे जो कायम किए थे इन्होंने वो है कराची फ्लाई ओवर ब्रिज और लाहौर बाईपास। नंबर 2, किसानों और ख़वातीन के लिए मंसूबे बनाए थे। किसानों के लिए जो काम किया वो उनके लिए किसानों को कर्ज़ देने के लिए किसान बैंक कायम किए और अवामी ट्रैक्टर स्कीम शुरू की। ख़वातीन के लिए जो काम किए वो समाजी और सेहत की पॉलिसियाँ बनाई उन्होंने और ख़वातीन पुलिस स्टेशन और अदालतें भी कायम की। नंबर 3, तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए उन्होंने 8वां 5 साल मनसूबा बनाया। नंबर 4, बरूने मालिक के कामयाब दौरे किए और मसला कश्मीर पर ईरान और तुर्की की हमायत हासिल की और कई शोबों में तआवुन के समझौते किए। नंबर 5, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के वजीर आला पीर साबिर शाह की हुकूमत को गिराकर पीपल पार्टी ने आफताब अहमद शेर पाओ को वजीर आला बनाया। और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की जो बर्खास्तगी है वो सदर फारूक अहमद लगारी बेनज़ीर भुट्टो के साथ कुछ अमूर इख्तलाफात हो गए थे जिनकी बिना पर सदर ने आइन की दफ़ा 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए उन पर बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाकर उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कोई लाइन छोड़िएगा नहीं। ओके, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।